असलकम डर स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे से होंगे आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है होटल पब्लिक एरिया क्लीनिंग होटल के अंदर जो पब्लिक एरिया होता है उसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है और पब्लिक एरिया में कौन कौन सा एरिया आता है ठीक है पब्लिक एरियाज आर द काम प्लेस एंड फैसिलिटेज एक्सेसबल टू इन द हाउस गेस्ट एंड नॉन रेजिडेंट गेस्ट गेस्ट रिक्वायर्स कॉमन एरियाज टू मीट सिट एंड कैरी अदर एक्टिविटीज़ पब्लिक एरिया जो है होटल का जो पब्लिक एरिया है ये कॉमन प्लेस होते हैं जहाँ पे हाउस गेस्ट और नॉन रेजिडेंट गेस्ट आके इंटरेक्ट करते हैं ठीक है वहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं तो हाउस गेस्ट और नॉन हाउस गेस्ट कौन होते हैं हाउस गेस्ट guest वो गेस्ट होते हैं जिन्होंने होटल के अंदर रूम बुक किया हुआ होता है ठीक है जिनको रात को स्टे करना होता है दो दिन के लिए स्टे करना होता है और नॉन रेजिडेंट गेस्ट हो वो होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होटल के अंदर आते हैं ठीक है और फिर चले जाते हैं तो इनको एक एरिया चाहिए होता है जैसे लॉबी हो गई वहाँ पे ये बैठ के रिलैक्स फील करते हैं ठीक है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पब्लिक एरिया जैसे रेस्टोरेंट हो गया लॉबी है बार हैं बैंक हैं फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स हैं ये एरियाज जो हैं ये पब्लिक एरियाज़ के अंडर आते हैं ठीक है थीके? तो पब्लिक एरिया का जो क्लीनिंग टास्क है ठीक है ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है बहुत ही मुश्किल टास्क है जो नॉर्मली क्लीनिंग होती है पब्लिक एरिया की वो रात में होती है और डे में क्या होता है डे में मेंटेन रखना होता है फिर ताकि गेस्ट जो आए उस पर जो होटल का इम्प्रेशन पड़ता है वो एंट्रेंस पे ही पड़ता है ठीक है वो गंदा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए इसलिए डे में क्या होता है वो क्लीनिंग कंटिन्यूसली रखनी होती है ठीक है और रात में उसकी डीप क्लीनिंग हो जाती है पब्लिक एरिया की अब हम देखते हैं पब्लिक एरिया क्लीनिंग एंट्रांस पहले होता है इंट्रांस जहाँ से पहले एंट्री लेता है गेस्ट उसको एंट्रांस कहते हैं गेस्ट गेट देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ होटल फ्रॉम द एंट्रांस लॉबी एंट्रांस विच आर नॉट क्लीनड एंड मेंटेनड Daily, it इट विल बिकम for फॉर द गेस्ट ड्यूटी हैवी traffic एंड एक्सपोजर एंट्रेंस जो है वहाँ पे ही गेस्ट को पहला इम्प्रेशन पड़ता है होटल का जब वो होटल के अंदर एंट्री करता है ठीक है अगर इंट्रांस क्लियर नहीं होगा इंट्रांस साफ नहीं होगा तो गेस्ट पे गंदा इम्प्रेशन पड़ेगा होटल का ठीक है तो क्या है कि जब वहाँ से ट्राफिक रहता है गेस्ट लोगों का आना जाना रहता है उससे वो एरिया जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस करना उसको क्लीन रखना डे में वो कंटिन्यूसली रखना होता है ठीक है द मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द एंट्रेंस एंड द डोर इज़ इम्पॉर्टेंट सो प्रॉपर एंड डेली इज रिक्वायर्ड इन दिन दिस एरिया नॉर्मल इज डन नाइट ये एरिया जो है इस एरिया की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है तो नॉर्मल क्लीनिंग जो होती है वो नाइट के अंदर होती है और रिक्वायर्ड एरियास को क्लीन करना वो दिन में किया जाता है ठीक है इसके बाद है लॉबीज पार्ट बी दीज आर द कॉमन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द गेस्ट्स नियर द रिसेप्शन ये वो एरिया होता है जहाँ पे गेस्ट्स लोग आते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं ठीक है ये रिसेप्शन के बिल्कुल पास में होता है मैनी लॉबीज आर कारपेटेड वैल अदर्स आर हार्ड फ्लोरिंग कुछ कारपेट्स ऐसे होते हैं लॉबी के अंदर जो लगे हुए हो कारपेट्स होते हैं कुछ कहीं लॉबीज़ के अंदर कारपेट्स लगे होते हैं कुछ ऐसे ही हार्ड फ्लोर होते हैं फ्लोर्स इन द लॉबीज आर नीड टू बी दिली। क्लिन इट सिंस दीज आर स्पेस वेयर गेस्ट इंटरक्ट रिलैक्स एट्सट्रा जो फ्लोर होता है लॉबी का वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं गेस्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं रिलैक्स फील करते हैं ठीक है तो इस एरिया का क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी होता है लॉबीज में हैव हाई सीलिंग्स लॉबरेट हैंडलर विच आर डिफ़िकल्ट टू क्लीन सो इट इज़ क्लीनड एट नाइट द डे क्लिनिंग टास्क इन्वॉल्वस तो लॉबी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सीलिंग्स हैं ठीक है तो वो उनका मुश्किल हो जाता है डे में क्लीन करना क्योंकि तो ट्रैफिक जो होता है गेस्ट का आना जाना वो बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर वो क्लीनिंग नाइट में हो जाती है ठीक है पब्लिक एरिया क्लीनिंग ऑफ वेस्ट पेपर बिंस एंड एस्ट्रेस एट फ्लावर अरेंजमेंट शुड बी डन डेली एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एरिया क्लीनिंग क्या करना होता है लॉबी के अंदर जो एस्ट्रेस होंगे वेस्ट पेपर बिंस होंगे उनको क्लीन करना होता है वो वहाँ से रिमूव करने होते हैं फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो डेली बेस पे ठीक करना पड़ता है ठीक है जो कि पार्ट है पब्लिक एरिया क्लीनिंग का ग्लास सरफेस एंड विंडोज टू बी क्लिनर डेली जो गिलास का सरफेस होता है या विंडोज़ हो गए उनकी क्लीनिंग करना डेली वो भी ज़रूरी है डोर्स एंड डोर नॉब्स टू बी डस्टर्स एंड क्लिनर डेली जो डोर्स होते हैं डोर नॉब्स होते हैं उनको डस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है वो भी डेली बेस पर करना पड़ता है एनी स्टैंड ऑन दार्पेट्स एंड अपोल शुड बी क्लिनर इमिडियटली अगर कारपेट के ऊपर या अपहोल्स्ट्री के ऊपर कोई भी स्टैंड लगता है कोई भी दाग लग जाता है तो उसको इमीडिएट क्लीन करना पड़ता है हार्ड फ्लोर शुड बी मोपड रेगुलरली अगर कारपेट नहीं होगा लॉबी के अंदर हार्ड फ्लोर होगा तो उसका मोप करना भी रेगुलरली करना पड़ता है ठीक है इसके बाद है फ्रंट ऑफिस हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट इज़ रेस्पांसिबल फॉर द पब्लिक एरिया क्लिनिंग एंड मैंटे फ्रंट ऑफिस बिकॉज फ्रंट ऑफिस इज़ द फेस ऑफ द होटल हाउस कीपंग डिपार्टमेंट की रेस्पांसबिलिटी होती है कि वो पब्लिक एरिया की क्लिनिंग के साथ साथ फ्रंट ऑफिस को भी मैंटेन रखे क्योंकि फ्रंट ऑफिस जो है वो होटल का फेस होता है सो डेली क्लिनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड मोपिंग ऑफ द फ्लोर डस्टिंग ऑफ द फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड वैक्यूमिंग कारपेट्स सो so, क्या होता है इसमें डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है फ्रंट ऑफिस पे क्यों वहाँ पे फ्लोर पे मोप लगाना पड़ता है डस्टिंग करनी पड़ती है फर्नीचर हो उस पर मोप लगाना पड़ता है फिक्सचर डस्ट करना पड़ता है और वैक्यूम कारपेट को वैक्यूम करना भी बहुत ज़रूरी होता है इसके बाद है एलिवेटर एलिवेटर का क्या मसला है एलिवेटर मस्ट बी क्लीनर एट द टाइम ऑफ डे वन इट इज़ लीस्ट अंसेंट सॉरी इट इज़ लीस्ट यूज्ड एलिवेटर्स को तब क्लीन करना पड़ता है जब वो बहुत ही कम यूज़ होंगे ठीक है मतलब एलिवेटर्स होते हैं लिफ्ट जो लिफ्ट होता है ठीक है होटल के अंदर उसको तब आप क्लीन करो जब आपको पता चले जब आपको लगे कि ट्रैफिक बहुत ही कम है गेस्ट का आना जाना बहुत ही कम है सो द नेसेसरी बोर्ड्स इंडिकेटिंग द क्लीनिंग इज कैरियड आउट मस्ट बी डिस्प्लेड डिस्प्लेड प्रोमटली Elevators डोर्स आर मेड ऑफ स्टील एंड स्टील डोर shows लॉट्स ऑफ ग्रीस मार्क्स from फिंगर easily. एलिवेटर्स शुड बी क्लीन डेली एंड मोर टफ cleaning may बी डन ऑन पीरियडिक बेस जो एलिवेटर्स होते हैं उनके जो डोर्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं तो स्टील पे क्या हो जाता है दाग जल्दी लग जाता है फिंगर के टिप्स जो होते हैं वो लग जाते हैं ग्रीस लग जाता है तो उसको क्लीन करना भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की रेस्पांसिबिलिटी होती है ठीक है इसके बाद है स्टार केस स्टायर केस क्या है स्टायर केस शुड बी क्लीनर व्हेन देयर इज लेस ट्रॉफिक वाइल क्लिनिंग ऑफ स्टायर केस आर शुड बी टेकन दैट डॉट एंड डस्ट डो नॉट फॉल डाउन वर्स स्टायर केस जो होते हैं उनकी क्या क्लिनिंग करनी होती है तब करनी होती है जब ट्राफिक बहुत लो हो और इसकी क्लीनिंग ऐसे करनी होती है कि ऐसा ना हो कि आप ऊपर से डस्ट ला रहे हो और नीचे फेंक रहे हो तो उसकी भी ध्यान से क्लीनिंग करनी होती है गेस्ट कॉरिडोर्स वायल क्लीनिंग ऑफ द कॉरिडोर्स नेसेसरी बोर्ड्स इंडिकेटिंग द पब्लिक एरिया क्लीनिंग इज कैरीड ऑन मस्ट बी डिस्प्लेड प्रोमेंटली सॉरी प्रोमेंटली कारपेट्स इन द कॉरिडोर शुड बी वैक्यूम डेली द क्लीनिंग टास्क ऑफ़ द गेस्ट कॉरिडोर्स आर एज फॉलोर्स गेस्ट कॉरिडोर जो होते हैं ये फ्लोर पे होते हैं ठीक है हर एक फ्लोर पे एक कॉरिडोर होता है ठीक है गली जिसको कहते हैं तो उसकी क्लीनिंग करना भी होटल डिपार्टमेंट सॉरी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे जो कारपेट्स होते हैं उनको वैक्यूम करना पड़ता है डेली बेस पे ठीक है कारपेट शुड बी वैक्यूम रेगुलरली एक तो कारपेट्स को रेगुलर वैक्यूम करना पड़ता है द वाल्स कटिंग शुड बी क्लीन एड रिकुलरली जो वाल्स कटिंग होते हैं उसको भी क्लीन करना होता है ठीक है एनी फिंगर मार्क्स ऑन द वाल शुड बी क्लीन एड इमीडिएटली अगर कोई भी फिंगर मार्क दीवार पे होगा तो उसको इमीडिएट क्लीन करना होता है आफ्टर द वॉल पेंटिंग शुड बी डस्टड डे जो वॉल पेंटिंग होती है उसको भी डस्ट करना पड़ता है एवरीडे ताकि उस पर कोई डस्ट डर्ट वगैरह तो ना पड़े ठीक है इसके बाद है बैनक्यूट हॉल बैंक्यूट हॉल वो हॉल्स होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वेडिंग एग्जिबिशन होस्ट की जाती है सो प्रॉपर पब्लिक एरिया क्लीनिंग जो है वो डिपार्टमेंट को रिक्वायर होती है ठीक है द क्लीनिंग इंक्लूड्स मोपिंग ऑफ फ्लोर वैक्यूमिंग ऑफ द फ्लोर कारपेट्स रेगुलर डस्टिंग ऑफ फिक्सचर्स एंड फर्नीचर आर रिक्वायर्ड तो बैंक्यूट हॉल में क्या होता है मोपिंग फ्लोर को मोप लगाना वैक्यूम लगाना कारपेट्स को वैक्यूम लगाना ये रेगुलरली ये काम होता है और फिक्सचर्स जो और जो फर्नीचर होता है ठीक है बैनक्यूट के हॉल बैनक्यूट हॉल के अंदर उसको भी डस्ट करना जरूरी पड़ता है इसके बाद है हेल्थ क्लब हेल्थ क्लब इज़ द अनदर होटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द गेस्ट टू एक्सरसाइज एंड वर्कआउट सो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड डेली बेसिस इट इज़ द बिजस्ट एरिया द क्लीनिंग टास्क ऑफ़ द हेल्थ क्लब और एज फॉलोस। हेल्थ क्लब क्या होता हेल्थ क्लब वो एक एरिया होता है होटल के अंदर जहाँ पे गेस्ट लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं ठीक है तो क्या होता है वहाँ पे भी ट्रैफिक हाई होता है लोगों का आना जाना होता है तो उसकी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है ठीक है वो भी डेली बेस पे तो क्लीनिंग टास्क जो हैं तो क्लीनिंग टास्क ऑफ़ द हेल्थ क्लब और एज फॉलोस जो क्लीनिंग टास्क है हेल्थ क्लब के वो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं प्रॉपर डस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स होंगे उनको डस्ट करना है डैप डस्टिंग ऑफ फर्नीचर जो फर्नीचर होगा उसको भी क्लीनिंग करनी है क्लीनिंग ऑफ़ गिलास एंड विंडो पैनल गिलास और जो विंडो पैनल होगा ठीक है क्या बोलते हैं हेल्थ क्लब के अंदर उसकी भी क्लीनिंग करनी होती है क्लीनिंग ऑफ़ कारपेट फ्लोर कारपेट फ्लोर को भी वैक्यूम लगाना है रिमूविंग ऑफ सॉयल लिननस एंड रिप्लेसिंग विद द फ्रेश लिनर फॉर फ्यूचर यूज अगर वहाँ पर सॉयल लेनन होगा डटी लेनन होगा तो उसको रिप्लेस करके नया लगाना पड़ता है इसके बाद है स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल रेगुलर पब्लिक एरिया क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ स्विमिंग पूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ हाइजीन स्विमिंग पूल की जो क्लीनिंग करनी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाइजीन के हिसाब से अगर हाइजीन देखा जाए तो स्विमिंग पूल को डेली बेस पे क्लीन रखना पड़ता है इफ़ इज़ नॉट रेगुलरली क्लीनड स्विमिंग पूल में बिकम्स केरियर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज अगर आपने क्या है कि रेगुलर क्लिनिंग स्विमिंग पूल की नहीं की तो इसका क्या होता है वाटर बोर्न डिजीज़ बन जाता है आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा पब्लिक एरिया की क्लीनिंग कैसे करनी है और कौन कौन सा एरिया पब्लिक एरिया में आता है सो थैंक यू फॉर टुडे